है, जो एक्स्ट्रा सोशल प्रेशर है, इसके लिए जो एक्स्ट्रा फैमिली प्रेशर है, इन सब से आपको बचना पड़ेगा। जब भी बेचैनी घबराहट होगी तो आप इसको नहीं छूते हैं, आप यहां छूते हैं। यहां क्यों छू रहे हैं? यहां होना चाहिए ना। तो एक्चुअली यही जो है ना सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते ही इसका बर्डन खत्म हो गया, दिमाग काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी फैक्ट्स हैं सब याद आ जाते हैं। तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है, जानोगे तभी ना, अभी तक तो पता ही नहीं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, नजदीक है एग्जाम, ज्यादा दूर नहीं है, और आप जिस एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए माइंड और ब्रेन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि मैंने माइंड और ब्रेन कहा है, दोनों तो एक ही होता है, दोनों एक नहीं होता, दोनों अलग होते हैं, और दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है इस एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं, और अक्सर या अधिकांश स्टूडेंट जो है ना इससे अवेयर नहीं है। आपने कई बार आस पड़ोस में या खुद को बोलते हुए सुना होगा कि अरे ये लड़का तो बहुत तेज था, इसका तो एग्जाम ही नहीं निकला, ये तो दिन रात पढ़ता था, इसका माइंड कितना शार्प है, इसको सारी चीजें याद है, इसके टिप्स पे ही सब कुछ है और इसका एग्जाम नहीं निकला, पता नहीं हमारा कैसे निकलेगा। और कभी यह भी सुना होगा, अरे ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो थोड़ा बहुत पढ़ता था, इसको उतना नॉलेज भी नहीं है, ये कैसे एग्जाम निकाल लिया, राइट? ऐसा सुना है ना, ऐसा क्यों होता है? कभी इस पे गौर किया कि ऐसा होता क्यों? आइए देखते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, और देखो कितनी बड़ी गलतफहमी होती है। इतने ही पे काम चला लेते हैं। ये आपका जो है वो है ब्रेन, और ब्रेन है ठीक है, ये दिमाग है, ये है दिमाग, और ये जो दिमाग है इसी को हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं। हमको ये लगता है जिसका दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज है, वो एग्जाम निकाल लेगा। कुछ ऐसा समझिए कि अगर किसी कंपनी का वर्कर एकदम, वो जो एकदम फोर्थ ग्रेड का वर्कर है जो सामान उठाता है पहुंचाता है, वो अगर ये समझ ले कि हमारे कारण ही ये कंपनी चल रही है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्योंकि आपने कंपनी बंद होने का कारण कभी वर्कर्स नहीं देखा होगा, कंपनी बंद होने का कारण आपने देखा होगा उसकी मैनेजमेंट। एक सीईओ खराब आ जाए, उसकी मैनेजमेंट टीम गड़बड़, नहीं सही से डिसीजन ले पाए, कंपनी बैठ जाएगी, वर्कर वही है, कंपनी बंद हो जाएगी, और उसी में वो अच्छे आ जाए, बहुत ही शार्प हो, तो कंपनी अगर डूब भी रही होगी तो उसको खींच लेगा वर्कर वही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां से गाइड होता है, वो काम करके दे देते, उनका काम है जितना उनको काम मिला वो परफॉर्म करके रख देना, उनको उसके सक्सेस अनसक्सेस से कोई मतलब नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन आया उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसको लेकिन लोगों को क्या लगता है बहुत को कि अगर वर्कर ना रहे तो कंपनी ना चले। वर्कर तो कंपनी में रहेंगे, कंपनी बिना वर्कर के कभी हुआ है? लेकिन उस वर्कर के कारण ही सिर्फ सक्सेस अनसक्सेस नहीं होता, बल्कि उसके उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ऊपर का मैनेजमेंट है जो बहुत छोटा होता है। वर्कर्स तो हजारों में होते हैं, मैनेजमेंट तो 10-20-30 के अंदर होता है, तो उस 10-20-30 से के कारण वो कंपनी एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोग हैं, उसके कारण वो फायदे में है या नुकसान में है, ये नहीं कि वर्कर्स के कारण। वही स्थिति स्टूडेंट्स के साथ है। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जिसका दिमाग जितना मजबूत होगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा और सक्सेस कर लेगा हर फील्ड में? ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे ब्रेन वाले बहुत सारे जगह पे पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, उनका दिमाग ही काम नहीं करता, प्रेशर में आ जाते हैं, गलती करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सब कुछ पढ़ के गए हो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो इसे रिलेट करेंगे कि आप पढ़ के गए हो, एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट होने लगी, बहुत सारे स्टूडेंट ने वोमिटिंग किया कुछ समय, जब एग्जामिनेशन की तैयारी का 10 दिन या 15 दिन बचता है या एक हफ्ता बचता है तो किसी का डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आ रहा है? किसी को बुखार लगने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है, एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक हो जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में चीजें याद नहीं होती है, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते याद होने लगता है, एग्जामिनेशन हॉल में इसको समझ नहीं आता कि क्या करे नहीं करे, बेचैनी घबराहट और कई बार वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी देखी गई है, लोगों ने स्टूडेंट ने किया भी है। तो ये सारी चीजें हो रही है एग्जामिनेशन हॉल में, दिमाग को क्या मतलब है इससे? कभी सोचा है क्या दिमाग का काम है ये? आप पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट बैठ रहे हैं, 10 मिनट बैठे, 10 मिनट के बाद आपका दिमाग तो वही है,
आपका दिमाग यही है, समझ में आ रहा है, और आपका मन चला गया कहीं और, मन बड़ा चंचल होता है, किसी और सब्जेक्ट पे घूम रहा है, दिमाग पढ़ता जा रहा है, दिमाग पढ़ रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है पढ़ने का, उसको बोल दिया पढ़ो तो वो पढ़ रहा है, मन कहीं और घूम रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, सब खत्म। माइंड एंड ब्रेन दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ब्रेन आपका यहां पर है और माइंड जिसको कहते हैं फिलोसफी की अगर हम बात करें तो इसको माइंड कहेंगे, इसको मन कहेंगे, इसको कहीं कहीं आत्मा भी कहा जाता है, सोल भी कहा जाता है, ठीक है, ये यहां है। एक्चुअली में जो आपका सीईओ है ना, आपके अंदर का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये है, आपका जो वर्कर है वो दिमाग है, ये जो बोलता है, जो सोचता है और जैसा चाहता है वैसा ये करते हैं। अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा बहुत लोगों को, मैं समझता हूं, और नहीं होना जायज भी है, ये इतना हल्का टॉपिक नहीं है जितना हम बता रहे हैं, इससे आसान है पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ लेना, लेकिन इसको समझ लोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। कॉन्फिडेंस चला जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मन दुखी है, दुखी मन होता है कि दिमाग होता है, दुखी मन होता है कि दिमाग होता है। अगर कोई बैड न्यूज मिल जाए, ठीक है, एक दिन पहले अभी जैसे अभी एसआई का एग्जाम हुआ, एसआई के रिजल्ट में कुछ लोगों का रिजल्ट आ गया, कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया, जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका दिमाग दुखी हुआ या मन दुखी हुआ देखो। और एक दिन पहले जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक दिमाग और मन सब सही काम कर रहा था, सब कुछ एक्टिव था, जा रहे थे, घूम रहे थे, जैसे ही रिजल्ट नहीं आया और मन दुखी हुआ, वैसे ही ये दिमाग वही है, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस गई, वैसे ही आप कमजोर होकर बैठ गए कुर्सी पे, अब हिम्मत ही नहीं कर रहा, पूरा बॉडी वही है, सारा न्यूट्रिशन सब कुछ वहीं पे है, कुछ अचानक से एक मैसेज से सब कुछ कम तो नहीं हो गया ना, सारा न्यूट्रिशन ताकत सब वही है, दिमाग मग सब वही है, लेकिन आपका मन परेशान हो गया और आप मतलब आप एकदम हताश होकर चेयर पे बैठ गए या जहां है वहीं लेट गए, रात भर बंद किए हुए हैं खुद को, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ जिसका रिजल्ट आया उसका सब कुछ वही है, जितना ताकत था जितना था सब, लेकिन मन एनर्जेटिक हुआ वैसे ही वो एनर्जेटिक हो गया, अब उछल कूद मचा रहा है, पार्टी कर रहा है, मिल रहा है लोगों से, वो दरोगा बन गया। उसी तरह से एग्जाम आता है, अभी जस्ट था इसलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, उसी तरह से किसी में भी जिसकी भी आप तैयारी करते हैं ऐसा कुछ होता है तो होता है ना, मन तो यही है ना, मन तो यही है। मैंने देखा था एक बार कि बड़ा हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा लड़का था और मैं जान पहचान के ही साथ में ही था, उसी से उसको फोन पे खबर मिली कि उसकी माँ एक्सपायर हो गई, वो वहीं पे लड़खड़ा के गिर गया, क्या कुछ था नहीं ना, दिमाग को मैसेज गया कि मैसेज उसका मन घबराया, सब कुछ ठीक था, गिर गया वहीं पे। तो ये क्या होता है, ये मन होता है, समझ में आ रहा है, ये आपकी तैयारी में मालूम है, आपको अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 90% योगदान हमारे दिमाग का है, 10% हमारा लक है ना, एक्चुअली में 70% योगदान आपके इस माइंड का है, ठीक है, 70 के बाद 25% से 30% उठा लो जो ब्रेन का है और 5% आपका लक है, नो डाउट लक मैटर करता है, थोड़ा नमक की बढ़ा हुआ, ठीक है, तो 70% आपके इस माइंड का खेल है, 70% आपके माइंड का खेल है। और अब जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और तो आज से ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी में इस ब्रेन का भी और इस माइंड का भी दोनों का ख्याल रखना है, दोनों का ख्याल रखना है। एक बार की कहानी है, दिल्ली के आउटर रिंग रोड, आप लोग दिल्ली में जो भी होंगे उनको पता है आउटर रिंग रोड कहाँ है, तो आउटर रिंग रोड पे मैं बाइक चला रहा था अपने दोस्त के साथ और 105 की स्पीड में हमने ठोक दी, 105 की स्पीड में ठोक दिया गाड़ी, गलती नहीं थी लेकिन एक्सीडेंट तो हो ही गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो पता है जब एक्सीडेंट हो भी रहा था ना उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, एक्चुअली दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में नहीं चलता, तो उस समय क्या एक्सीडेंट हो रहा है उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी क्या चल रहा है कि मेरा दाहिना हाथ को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, अब सोचो चोट कितना लगा होगा, तो दाहिने हाथ को कुछ नहीं होना चाहिए, और एक्सीडेंट हो भी गया जब खड़े हुए संभले सब कुछ ठीक हो गया, तो उस समय भी दिमाग उस समय क्या चेक कर रहा है, कुछ और चेक नहीं कर रहा, दाहिना हाथ ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेंस लिखना था यूपीएससी का, ठीक है, बस एक ही था कि दाहिना हाथ ठीक है कि नहीं, वो जो दाहिना हाथ देखे कि नहीं ये ठीक है,
तो उस खुशी को आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि एग्जाम देना था, तो मन बड़ा खुश हो गया, अच्छा दाहिना हाथ ठीक है, बाकी चोट का कोई ख्याल ही नहीं है, एग्जाम नजदीक था तो चोट का कौन देखता है, बस ये लग रहा था कि दाहिना हाथ ठीक है, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो नहीं लिखने में दिक्कत नहीं है, बस हो गया, समझ में आ रहा, मन खुश हो गया यार तब तो देख लेंगे, तब आप जिंदा भी हैं, हाथ भी ठीक है, एग्जाम में लिख लेंगे, तो ऐसे करके इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन एंड माइंड दोनों को आपको सुरक्षित रखना। ब्रेन जो है वो जस्ट इस बॉडी के हाथ पैर की तरह का एक पार्ट है जिसको आप रेगुलेट करते हैं अपने सोच से, जैसे आप चाहते हो कि हम इसको उठाएं, समझ में आ रहा, आप चाहते हो कि हम इसको हाथ खड़ा करें, तो ये मैसेज गया दिमाग को, दिमाग ने इस हाथ को खड़ा करवा दिया, समझ में आ रहा है, यही होता है ना, आपको लगता है कि नहीं कुछ खाना है तो आपका हाथ जो बढ़ता है, तो आपको आपके मन को खाना है, आपका हाथ बढ़ा उसको खा लिया। इसको और अच्छे से समझिए, जैसे आप में से किसी को लत होगी सिगरेट पीने की और सारे गार्जियन आपके आसपास बैठे हैं, अब आपको पीना ही पीना है, क्या करोगे, आपको लगता है कि पीना ही पीना है, आप जैसे ये मैसेज दिए ना कि अब हमें सिगरेट पीना है, उपाय निकालो, आपका दिमाग अब काम करने लगेगा, आपका दिमाग अब क्या हुआ, वर्कर की तरह काम करेगा कि अच्छा इसको सिगरेट पीना है, तो अब वो लगाएगा कि तिक्रमबाजी कहां से निकले, कौन सा बहाना ढूंढे, क्या करे, समझ में आ रहा है, अब वो दिमाग खींच देगा। इसीलिए जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कभी कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, किसी को पॉलिटी आसान लगता है, किसी को केमिस्ट्री मुश्किल लगता है, किसी को ज्योग्राफी मुश्किल लगता है, तो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो आपके ये आपका मन जो है ना जिसको मुश्किल समझता है, दिमाग भी उसको मुश्किल समझता है, दिमाग न्यूट्रल है, दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको आप मैथ पढ़ा रहे हो कि आप बायो पढ़ा रहे हो कि आप उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, वो सब पढ़ लेगा उतने ही अच्छे से अगर आप चाहते हैं, समझ में आ रहा है। दरअसल माइंड तो लगभग हमारे आपके बीच में सबके पास तो लगभग इक्वली दिया गया है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस लगभग इक्वल दिमाग है सबके पास, ये जो मन है इसकी अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, खराब लगते हैं, मुश्किल लगता है, टफ लगता है, ठीक है, आसान लगता है, तो ये माइंड का गेम है। अब जो एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है यहां भी आपका दिमाग ही चल रहा है, किसी का चल रहा हो कि अच्छा एग्जाम नजदीक है, हम अगर कोशिश करें तो निकल जाएगा, किसी को ये लग रहा है कि एग्जाम नजदीक है कितना भी कुछ करेंगे तो नहीं होगा, जैसे ही आपने बोला कितना भी कुछ करेंगे नहीं होगा, आपका दिमाग जो है ना शांत हो जाएगा, अरे बेकार मत करो मेहनत नहीं होगा, और जैसे ही आप सोचोगे नहीं अभी करेंगे ना तो हो जाएगा, निकाल लेंगे एग्जाम, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, और दो लाइन यूज करके देख लो, आप तुरंत यूज करके देख लीजिए, यार लगता नहीं कि हमसे एग्जाम हो पाएगा, नहीं हो, 3 महीने में नहीं होगा, जैसे ही बोलोगे ना आपका दिमाग स्लो हो जाएगा तुरंत, उसी समय आप बहुत ही शिथिल हो जाओगे, ठीक है, और जैसे ही बोलोगे इस बार तो हम क्रैक करके रहेंगे एग्जाम, नहीं कैसे निकलेगा, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है सर, ज्योग्राफी ठीक करके देखेंगे, अब जैसे आप एनर्जेटिक तरीके से बोलेंगे ना आपका दिमाग एकदम एक्टिव हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं हमें ऑर्डर मिला है कि हमें करना है 3 महीने में, और दूसरा लगेगा नहीं ऑर्डर नहीं है अभी करना नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वर्कर है, इसको आप असाइनमेंट देंगे तो वो काम पे लग जाएगा, नहीं दोगे वो बैठ के गपशप मारेगा, सिंपल सी बात है, तो आप इसको अगर काम दिए कि 2 महीने में तुमको क्रैक करना है वो 2 महीने में करके दे देगा, तो इसीलिए माइंड एंड बॉडी दोनों को प्रोटेक्ट करना है, और ये जस्ट एक बॉडी, हम इसको बॉडी लेके चलते हैं, बॉडी का मतलब फिजिकल बॉडी जो हमें दिख रहा है वो है, इसके लिए आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है खुद को ना बीमार होने दें, ना खुद को किसी तरह के एक्सीडेंट में, किसी भी तरीके से जितना आप कर सकते हो खुद को बचा के रखिए, एग्जामिनेशन की तैयारी में खुद को बचाना बहुत जरूरी होता है, और इस बात को हम शायद कम इग्नोर कर देते हैं, बट ये ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन के पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, फिजिकली भी मेंटली भी, और उसी तरह से माइंड को भी आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको उसको रेगुलेट करना है, माइंड को भी रेगुलेट करना है, तभी ब्रेन आपका प्रॉपर काम करेगा, इसके लिए जो एक्स्ट्रा सोशल प्रेशर है, इसके लिए जो एक्स्ट्रा फैमिली प्रेशर है, इन सब से आपको बचना पड़ेगा, इसके लिए जो एक्स्ट्रा बर्डन आप लेके चल रहे हो फ्यूचर का, उससे आपको बचना पड़ेगा, यानी इसको जितना स्ट्रेस फ्री रखेंगे आप अपने माइंड को, जितना स्ट्रेस फ्री रखोगे आपका जो ब्रेन है उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इसको स्ट्रेस फ्री रखना बहुत जरूरी है, और दोनों के लिए अलग अलग तरह की चीजें, आप फिजिकली भी खुद को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना खाएंगे, माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए आप मेडिटेशन करेंगे, और दोनों का अहम रोल है, तभी जाके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा और आप अच्छा कर लोगे, तभी कोऑर्डिनेशन होगा और आप अच्छा करेंगे, तो एग्जाम 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, फर्क नहीं पड़ता, आपको बस अपने दिमाग को कूल रखना है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल बता दें,
एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर आता है ना, सिली मिस्टेक होती है, फैक्ट्स याद नहीं होते, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते ही क्या हो जाता है, सब याद होने लगता है। तो वो जो प्रेशर है, क्या दिमाग का प्रेशर है? नहीं, वो प्रेशर आपके मन का है। बेचैनी यहां होती है, जब भी घबराहट होगी ना आपको, तो आप यहां फील करोगे उसको। जब भी बेचैनी घबराहट होगी तो आप इसको नहीं छूते हैं, आप यहां छूते हैं। यहां क्यों छू रहे हैं? यहां होना चाहिए ना। तो एक्चुअली यही जो है ना, सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते ही इसका बर्डन खत्म हो गया, दिमाग काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी फैक्ट्स हैं सब याद आ जाते हैं। तो आपको इस पे काम करने की जरूरत है, जानोगे तभी ना, अभी तक तो पता ही नहीं। तो इस तरह से आप इसको कोऑर्डिनेट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में।